सर मेरा एक क्वेश्चन है, खास तौर पर ये रिसेंटली जो सेल चल रहे हैं उसके। सर मैंने 13 साल की उम्र में एक किताब पढ़ी थी, खास तौर क़यामत के रिलेटेड, जिसमें इमाम मेहदी का मैं जिक्र पढ़ा था, और उसमें वो हदीस आपने भी बयान की और मैंने भी पढ़ी थी कि क़ुर्बे क़यामत के करीबी जब हमारी उम्मत में से इमाम मेहदी के खिलाफ लोग खड़े होंगे, ज्यादातर उसमें से उलमा होंगे। तो सर आज के दौर में, और मुझे सबसे ज्यादा जो चीज परेशान करती है, जो क्वांटिटी ऑफ मुस्लिम जो से उनके साथ होगी, और जो आपने भी कहा था कि ये आजकल के जो से हालात है उनको इनके फेवरेबल उसी इसी टाइप के हालात होंगे, तो हमें इसलिए के लिए क्या करना चाहिए? आप वहां मेहदी का इंतजार करना छोड़ दें, पहला काम तो ये करें ताकि ये जिम्मा हमारे सर पे खुद आ जाए। अगर वो आ गए तो क्योंकि आना है उन्होंने, आ गए तो क्या ही बात है, ना आए तो फिर क्या होगा, हम उनके इंतजार में मारे जाएंगे। ऐसे तो कोई अल्लाह सुबहान तआला का हुक्म नहीं है। कब्र में ये होगा कि अल्लाह मैं तो इमाम मेहदी का वेट कर रहा था इसलिए कुछ किया ही नहीं, ऐसे तो कुछ बचत नहीं हमारी। और उस वक्त भी जब देखें इतनी थोड़ी तादाद में उनकी फौज है, और नबी इस्लाम की हदीस इतनी क्लियर है कि घुटनों के बल भी अगर बर्फ के सिलों पर चल के जाना पड़े ना तो उनका लश्कर ना छोड़ना, लश्कर को ज्वाइन कर लेना, बावजूद 30,000 बंदा होगा टोटल मुसलमान होगा। अभी तो बड़ा मसला है उलमा की ना, तो स्कूल ऑफ थॉट है, कहते हैं अरब हैं, कहते हैं अजम में से आएंगे, कहते हैं अरब में से आएंगे, तो मैं क्या कह सकता हूँ। उलमा तो छोड़ें, तमाम आम और खास सारे के सारे उनके खिलाफ ही होंगे। 30,000 टोटल बंदा होगा, उनमें से भी 90% शहीद हो जाएगा, तो इट्स प्रॉब्लम। आई एम सॉरी, अल्लाह ना करे कि हमारे दौर में आए, और लोग दुआएं कर रहे थे हमारे दौर में इमाम मेहदी आ जाए। इमाम मेहदी आएंगे तो हम तो वो वाले लोग हैं जो 1% में थोड़ी हैं, हम तो 99% में से, उनके तो ज्वाइनर ही 1% है। पता नहीं कौन बेवकूफ कहता है कि मेरे दौर में आ जाए इमाम मेहदी, वो इतना ईमान है उसका, उसको पता है आज तक कौन से इस्लाम की फोर्स ज्वाइन की है उसने, हिजबुल्ला से तालिबान तक की, जो ये वाली फोर्स ज्वाइन कर लेगा, ऐसा उसको गुमान है अपने ऊपर कि इमाम मेहदी को पहचान लेगा। और वो मैं बहुत डरता हूँ इस कॉन्सेप्ट से, मुझे बहुत डर लगता है कि इमाम मेहदी मेरे दौर में आए तो यहाँ पे बैठे बैसे कर रहे होंगे, चाय के ऊपर गप्पें चल रही होंगी डेनमार्क और नॉर्वे में और ब्राजील और चिली में, अमेरिका और कनाडा में, पाकिस्तान में और इंडिया में, कि ये देखो एक नया आया उठ के, और बीबीसी और फॉक्स न्यूज के ऊपर रूपर्ट मर्डॉक उसको उसामा बिन लादेन के नाम से, जूनियर के नाम से बुला रहा होगा, आ रहा हूं क्या, और क्या क्या नाम लगे हुए होंगे। तो इट्स अ प्रॉब्लम, वी बेटर नॉट बी अनअवेयर ऑफ। आप क्या समझ रहे हैं इमाम मेहदी ने क्या करना है आगे? अल्लाह का काम ही करना ना, तो अल्लाह के काम करने वाला कौन सा बंदा आज तक मुसलमानों में मकबूल हुआ है? तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। इमाम मेहदी की एक ऐसी बशारत बताएं या एक ऐसी बात हदीस में बताएं कि इमाम मेहदी यूट्यूब के ऊपर आके वायरल हो जाएंगे, या फिर इमाम मेहदी ने दावत का इतना बड़ा सेंटर खोलना है आके, तो ये हमारे अमूमी तौर पे जो मकबूल उलमा हैं वो सिर्फ इसलिए मकबूल हैं कि दाई हैं, अगर वो मुजाहिद होते तो एक भी बंदा उनको ना फॉलो करता, तो वी नो दैट, तो वो तो मुजाहिद है इमाम मेहदी, तो जिनकी 14 हदीसें मिलती हैं, 14 की 14 में तलवार उठाई हुई है उन्होंने, ऐसे कौन से मुसलमान को फॉलो करने की माए और बाप दावत देते हैं बच्चों को? कॉमन सेंस की बात है कि आजकल आई तो कोई भी नहीं, इधर से तो नहीं कोई आएगा। तो मैं तो डरता हूं कि हमारे दौर में आए तो बस इंटेलेक्चुअल एक्लेमेशन मिलेगी उनको, खसूसी मुसलमानों से, जाने वाली हिम्मत नहीं है किसी की, तो जब जाने वाली हिम्मत नहीं है तो फिर जाने वाली हिम्मत करने वाले बच्चे तैयार करेंगे, और क्या क्या करना है, तो एटलीस्ट हमारे बच्चे तो तैयार हों, वो तो खुद तो कुछ कर सके। ठीक है, तो मेरे उस्ताद कह रहे थे कि हर दौर का इमाम मेहदी होता ही होता है, सिंबॉलिक ही होता है मगर होता है, अपने दौर में वो वाले मुजाहिदे करता है कि जो इमाम मेहदी ने अपने दौर में करने हैं, बस फर्क ही होता है कि इसके दौर में ईसा इब्ने मरियम ने नहीं आना। इतना खूबसूरत फलसफा था उनका कि मुजाहिदे जो है ना वो बच्चों के थ्रू तैयार करें, बच्ची मुजाहिदा होगी तो माँ खुद मुजाहिद
मुजाहिदा हो जाएगी, बाप खुद मुजाहिद हो जाएगा, बेटा मुजाहिद तैयार हो रहा होगा तो बाप भी और माँ भी मुजाहिद हो जाएंगे। बच्चों के अल्लाह की राह में मरने की दुआएं करने वाले माँ बाप मुजाहिद तैयार करते हैं, लंबी लंबी जिंदगियों की दुआएं मांगने वाले माँ बाप इमाम मेहदी के वक्त मारे जाएंगे। मौत को दावत देने वाला इमाम है, कोई मजाक तो नहीं आ रहा ना, हदीस रकम हो चुकी है कि इसके 90% मुजाहिद मारे जाने ही जाने हैं। 100% वन वे मिशन, सुइसाइडल मिशन समझ लें जिसको अमेरिकन कहते हैं ना, सुइसाइडल मिशन, इसके इसमें वापसी नहीं है। तो ये वाली मामलात के ऊपर आप और मैं सेटल करेंगे अपने आपकी नफ्सियात को, मुश्किल लगता है। अपने बच्चों की नफ्सियात ऐसी बनाए क्या, फिर ज्यादा चांस है। ठीक है, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। हम इस्लामाबाद में इतना बड़ा मार्का हो गया था, कुछ ज्वाइन नहीं करने गया। हम साय में 10-15-20 साल अमेरिका के साथ लड़ाई चलती रही, कौन सा पाकिस्तानी गया? ये इमाम मेहदी के पास जाएंगे अरब में? ये वो कौम ही नहीं। तो अभी यमन में क्या हो रहा है कुछ सोचें, ये कुछ दिनों पहले से दोबारा से फलस्तीन में क्या हो रहा है, कौन जाता फलस्तीन? फलस्तीन नहीं कोई जा सकता, जो और पूरी दुनिया को पता है, काफिरों को पता है कि फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, कोई मुसलमान नहीं जा रहा बचाने, ये इमाम मेहदी के लिए जाएंगे? कोई चक्कर ही नहीं है। तो वी प्रिपेयर आवर सन्स एंड डॉटर्स, वी प्रिपेयर आवर किराअत एंड हिजाब एंड शाफईस, वी प्रिपेयर देम, अनलेस वी प्रिपेयर देम वी आर नॉट सपोज टू। हम सॉरी इस बारे में बात भी करना पड़ी, एक मेरे पास एक विश फुल थिंकिंग ये है, तैयारी करवाएं बच्चों की तो फिर आप अब्दुल्ला अब्दुल मुतलिब बने, बच्चों में से मोहम्मदी खसूसियात निकलेंगी। हमें डरना चाहिए, शदीद तरीके से डरना चाहिए। मैंने एक और उस्ताद थे, वो कह रहे थे कि लोग नबी इस्लाम ने कहा था दज्जाल के टाइम की दुआई ना मांगा करो, दज्जाल से कितना इतना बड़ा है। मेरे उस्ताद कह रहे थे कि इमाम मेहदी के दौर की भी दुआई ना मांगा करो। आजकल के जो हमारे हालात हैं, हमारे तो सबसे बड़ी दोज़ख का टिकट उस दौर में होना है, क्योंकि हमने तो ज्वाइनिंग देनी ही नहीं है। तो बहुत बहुत कड़ा वक्त होना मुसलमानों पर। तो आसान वक्त में हम इस्लाम नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कड़े वक्त के ऊपर क्या बचत होनी है हमारी। तो आपके सवाल का जवाब यही है, बच्चों को तैयार करें नफसियाती तौर पर। ठीक है, करेज की है ट्रेनिंग जरूरी है, करेज की ट्रेनिंग। लगा कुछ चारा नहीं है। देखें मैं आपको एक बात बता दूं, नेकी का दर्स जो है ना, नेकी का दर्स, सिर्फ नेकी का दर्स, वो नफसियाती बीमारी की जड़ है, जड़ है वो। अगर बच्चों को नेक बना रहे हैं तो आप बीमार कर रहे हैं उनको। जब तक नेकी को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे करेज की ट्रेनिंग से, कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं नेकी, दुनिया खिलाफ होनी है हाँ, उसके खिलाफ लड़ना कैसे है, अगर उसको नेकी के ऊपर प्रैक्टिस करने की करेज नहीं सिखा रहे, जो कि बड़ी सख्त ट्रेनिंग है, मारे खाएंगे बच्चे सड़कों पर, मारे खाया करेंगे जो हालात हैं, जा जाके लोगों को बचाएंगे तो मार पड़ेगी उनको, फिर पुलिस पकड़ेगी तो कभी ये पकड़ेगी तो कभी वो पकड़ेगी, जेलों में रहेंगे बच्चे बिला वजह। आजकल के जो पुलिस के हालात हैं, मोमिन तो पक्का ही जेलों में। तो जब तक आप करेज की ट्रेनिंग नहीं दे रहे और अपने अपने आप को बचाने की ट्रेनिंग दे रहे, तो नेकी का तो दस ना दें फिर, वो तो बेचारा सेल्फ एस्टीम क्या, सेल्फ वर्थ जीरो हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकेगा। नेकी का दस तो मिल गया, उसको पता होगा गलत काम है, कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता तो अपने आप सेल्फ वर्थ जीरो कर देगा। फिर दुनिया का हर जो है ना वो गली मोहल्ले का टट्टू भी उसको ताबे कर लेगा, जिसकी सेल्फ वर्थ नहीं होती उसका तो कोई इलाज नहीं। सो या तो नेकी का दस ना दें, देने देना है उनको, तो फिर साथ हुसैनी करेज भी दें। ठीक है, आधा इस्लाम ना सिखा देना, आधा इस्लाम से बेचारे के कुछ परखचे उड़ जाएंगे। मैं बता दूं, बुराई वो कर नहीं सकेगा, उसको आपने नेकी सिखा दिए, अच्छाई तो कर नहीं सकेगा, कहूंगा अच्छाई के लिए करेज चाहिए होती है, नेकी के लिए, अच्छाई का लफ्ज गलत मैंने बोला, सही काम करने के लिए तो बड़ा बड़ी हिम्मत का काम। तो ये है इमाम मेहदी की निशानी, वो काम जानते भी हैं कि सही क्या है और करने की हिम्मत भी रखते हैं, उसके उनके फौजी भी ऐसे ही हैं। तो प्रोफेसर नहीं ज्वाइन करेंगे इमाम मेहदी को, उलमा नहीं ज्वाइन करेंगे, मुजाहिद ज्वाइन करेंगे उनको। तो मुजाहिद का मतलब ही करेज होता है और क्या।